अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का दिन बड़े ही थ्रिल के साथ स्टार्ट हुआ। हमारे घर के पीछे ये खाली प्लॉट है, वो आप नोटिस करे होंगे, वो आपने आपको वीडियो में दिखाया भी होगा। वो एक छोटा सा डॉग हाउस टाइप बना हुआ है। यहाँ पे मामा डॉगी होते थे। जिन लोगों को नहीं पता कि मामा डॉगी कौन है, तो मामा डॉगी एक डॉग है जिसने बच्चे दिए हुए थे, जिसके ओरिजिनली 3 बच्चे थे और इवेंचुअली एक रह गया। मामा डॉगी थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती थी लोगों के अराउंड, तो हमें ये लग रहा था कि भाई या तो हमारी गली वाले, हमारी सोसाइटी वाले मामा डॉगी को मरवा देंगे। बिकॉज ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि कुत्ता काट रहा है या कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते को मरवा दो। ये बहुत कॉमन है। रात को 12 बजे, 11 बजे, 3 बजे जब हम सो रहे होते हैं, तो हमें अक्सर गन शॉट्स की आवाज़ आ रही होती है और वो कुत्तों को मार रहे होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत ही मैल प्रैक्टिस है, जिसके अगेंस्ट मैं शुरू से हूँ और मैं हमेशा प्रीच करता रहता हूँ कि यार ये खत्म होना चाहिए। कुत्तों को पकड़ें, उनको न्यूट्र करें, स्पे करें, ताकि वो आगे ब्रीड ना करें। और हर जगह आपको गली गली में कुत्ता नजर ना आए। हर 2 महीने में 3 महीने में कुत्ता ब्रीड करता है और फिर आपको कंप्लेन होती है कि इतने ज्यादा कुत्ते हो गए हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में कुत्ता नजर आया तो भाई वट्टा पकड़ो, पत्थर पकड़ो और फेंको कुत्ते। मैंने अभी भी अपने घर के साथ वाले घर में एक बच्चा देखा और वो कुत्ते को लिटरली मार रहा है। बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा कुत्तों को ना मारते नहीं है। मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला बेटा कुत्तों को मारते नहीं है, आराम से उसको बुला, वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं 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 अंकल काटते हैं, ये वो। नहीं नहीं अंकल काटते हैं। तो हमेशा कुत्ता तभी काटता है वो रिटेलिएशन में, जब आप उसको मारेंगे वो काटेगा। तो एक एंडलेस सी गेम है ये, मुझे नहीं पता कब एंड होगा कुत्तों को मारना। तो खैर, न्यूज़ ये है कि यहाँ पे मामा डॉगी बैठती थी। लास्ट टाइम ही हमने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत अग्रेसिव हो गई थी, उसके बच्चे को पकड़ा था, वो बहुत ही काटने को दौड़ी थी। हम ऑनेस्टली ये चाह रहे थे कि मामा डॉगी यहाँ से निकले, एक अच्छी जगह पे जाए जहाँ पे उसका ख्याल रखा जाए। इतनी भी ये बात बुरी लगे, लेकिन उसने मर जाना था कुछ टाइम। तो आज फाइनली जो है वो मामा डॉगी चली गई। पेज है इंस्टाग्राम पे स्ट्रेज होम रिहैब के नाम से। हमें वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, हम इन पर्सन उनसे मिले भी थे। इतना अच्छा काम करते हैं यार, जानवरों की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, इंजर्ड जानवरों को उठाना। नॉर्मल जानवर को उठाते नहीं। हमने उसको बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि एक नॉर्मल जानवर को उठा लें प्लीज़, तो उन्होंने उठाया। लेकिन अदरवाइज किसी को चोट पहुंची हुई है, कोई ज़ख्मी है, उनका इलाज कराना है, तो 200-300 और लिटरली सोचें 200-300 जानवर का ख्याल रखना है यार, बड़ी बात है। मतलब मैं जेन्युइनली अंदर से ऐसे सलूट करने का दिल करता है, दिल से बहुत ही रिस्पेक्ट निकलती है। तो उन्होंने अपने बंदे भेजे और वो लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब शी इज गॉन टू अ बेटर प्लेस। भी हम 1-2 दिन में जाके जरा देखेंगे, मिलेंगे भी। गाइस, कंटेंट क्रिएशन का एक एस्पेक्ट ये होता है कि आपके कमरे में इतना बड़ा ट्राइपॉड हमेशा होता है, जिसको आप जितना मर्जी छोटा कर लें, वापस उसको इतना बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस बनानी पड़ती है। वीडियोस बनाते हैं जब आपसे बातें करते हैं ऐसे अप फ्रंट करके, तो जाहिर है बात तो हम कैमरे से कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे। ऐसे लगा कि फिर हम आपसे बातें करते हैं और ये अब इसको छोटा करना पड़ेगा। जरा चेक करें खाने में क्या बना है। एंड जो लोग ये देख रहे हैं प्लीज, ये हम लोग इतने गंदे नहीं है, हमने ये नहीं खराब किया। हमारा कुत्ता हमारे कमरे में सोता है, नाखून मार मार के इसका तहस नहस कर दिया। किचन में चलते हैं, जरा देखते हैं खाने में क्या है। हेलो जी, हेलो, क्या बना रहे हो? आई एम रोस्टिंग दीस वेजीज बिकॉज़ हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सबसे ज्यादा खाएंगे। यार ये इतनी कोई अच्छी हैक थी इंस्टाग्राम, ये रोस्टेड वेजीज हमारे रैप्स के लिए, दिस नॉट फॉर द पास्ता। आज रैप्स है क्या? पास्ता है, लंच में रैप्स एंड डिनर में पास्ता। इसका तो सॉस ही बनेगा ना? नहीं जी, सॉरी, में हम रैप की भी खाएंगे, रैप के अंदर भी जाएंगे, रात में आई रोस्ट अगेन फॉर द पास्ता। हमने ना असल में रियलाइज किया कि हम सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते, और सब्जियां ना खाना इतनी बड़ी एक गुस्ताखी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एक जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती रहती है, आप उम्र दराज होते रहते हैं, तो आपको समझ आती है कि सब्जियां कितनी जरूरी है। जितना मर्जी गोश्त अच्छा लगता हो, सब्जियां लाजमी खानी चाहिए, लेकिन अच्छी भी तो लगे। भिंडी बनेगी, कद्दू बनेगा, टिंडा बनेगा, मैं ये नहीं बोला, मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल जो खाते हैं शौक से, लेकिन हमें नहीं अच्छी लगती करेले शरेले। तो हमने बोला थोड़े इंग्लिश स्टाइल बनाते हैं। तो ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी हमने, है आप ये देखिए, आप ये ऐसे सब्जियां काटें, ओवन में डालें, बेक करें, और फिर इसका क्या क्या बनता है? इसका जो है मैं बनाऊंगी, आई एम मेकिंग अ बेसिल एंड रॉकेट ग्रिल चिकन रैप विद रोस्टेड वेजीज ऑन द साइड, एंड रात में आई मेक अ हिडन वेजिटेबल पास्ता। हिडन वेजिटेबल, वो सूपी सूपी टाइप? सूपी सूपी नहीं होता, प्रॉपर पास्ता होता है। लेकिन मतलब सब्जी का टेस्ट आता है? नॉट रियली। किसका आता है? पास्ता सॉस ही लगती है, थोड़ी रेड सॉस टाइप। अभी तो हम रैप खा रहे हैं ना, अभी रैप खा रहे हैं, आपको रैप दिखाते हैं, फिर रात को आपको पास्ता दिखाएं। फुल ऑन हेल्दी। Also, आपको भाई, आपको अपडेट देना भूल गया था, आपका भाई वापस डाइट पे आ गया। उस लेवल का रिजल्ट इसलिए नहीं ला सकता बिकॉज जिम करना फिलहाल अलाउड नहीं, लेकिन ट्रेडमिल तो कर सकते हैं, जिम भी जाएंगे तो वॉक कर सकते हैं, के अलावा कुछ अलाउड ही नहीं। तो अपनी सेहत के लिए जरा इतना फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें थोड़ी जोर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ वजन उठाऊँ, लेकिन थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, एक महीने की बात है। तो फिलहाल हम डाइट से और अपनी वॉक से काम चलाते हैं। हमें एक शख्स से मिले, वो हमें कहते हैं क्या, आई कैन वर्क आउट। हाँ, आपको ट्रेडमिल बंद है इनकी ट्रेडमिल बंद है,
और हमारा वर्कआउट बंद है तो, लेकिन फिर भी जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आपका सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती है। हम एक शख्स से मिले, वो मैं कहते हैं कि सर आप दुबले हो। मैं कि यार दुबला नहीं हुआ मैं, असल में कमजोर हो गया, क्योंकि डाइट भी सही नहीं है और वर्कआउट भी नहीं करे, तो ऐसा फिर हो जाता है। मन के अंदर से तो आपने देखा था, अब जरा आपको ऐसे दिखाते हैं। मिटन्स ग्लव्स, आसान अल्फाज में बोला करो ना, ग्लव्स, ये कपड़ा पकड़ लो, ये कपड़ा पकड़ो, मेरा हाथ जल जाएगा ये, इससे नहीं करना पूरा, वो एप्रन से कर लो। एप्रन से मैं अगर पकड़ लूं तो कुछ भी नहीं होगा, एप्रन गंदा हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम ऐसे ही खाएंगे इसको, ऐसे भी खाएंगे और रैप में भी डालेंगे। बाकी रैप का सामान का है, चिकन ग्रिल करना है। I like, very nice, very nice. Zucchini. और मजे की बात यह, मेरे मुंह से निकलने वाला था शिमला मिर्च इतने, और मैं सोचा माड़ो कद्दू। जिन लोगों को नहीं पता ना, जुकीनी को किसी भी स्टेक पॉइंट पे जाए ना, जुकीनी जुकीनी करके एक दफा लेने निकल गया, पता लगा माड़ो कद्दू बोलते हैं उसको। रोस्टेड इनफ नहीं लग रहे तो कर लो थोड़े और, मुझे तो वैसे बड़ी अच्छी लगी। अच्छी लगी, अगर हमने कच्ची खानी है तो ठीक है, हाँ बस फिर ठीक है। कुछ भी नहीं है, सब्जियां काट के नमक काली मिर्च लगा दिया, स्प्रे करके नमक, मिक्स्ड हर्ब्स और गार्लिक पाउडर, और ओवन में कितने टेम्परेचर पे, 180 डिग्रीज पे फॉर 30 टू 40 मिनट्स। जब हमारे पास ओवन नहीं होता था ना, तो हम उसके एक बड़ा हमने जुगाड़ निकाला था, हमारी अम्मा बनाती थी। हम बहुत बड़ी सर्विंग बना रहे हैं ना, अगर आप छोटी सर्विंग बनाए तो वैसे तो एयर फ्रायर भी मिनी ओवन ही होता। मैं जो सोल्यूशन देने वाला हूँ ना, वो सोल्यूशन के अंदर वाला ना देना, वो एक गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हमारे पास ओवन नहीं होता था, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके घर का जो लैंडलॉर्ड है उसने नहीं रखा हुआ, हमारा ओवन होता भी था तो वो चलता नहीं था, बंदा ले भी नहीं सकता, ले भी तो लगाया कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आप लैंडलॉर्ड की चीज तो रिप्लेस कर नहीं सके। तो पतीले के अंदर वो जो पत्थर होते हैं ना, वो पेबल्स होते हैं या वो काले वाले पत्थर, वो रख के उसके अंदर के ऊपर हमारी अम्मा पिज्जा बनाती थी। तो वैसे भी हो सकता है कि नॉर्मल पतीले बड़े के अंदर भी बन जाते हैं विदाउट द पेबल्स। कौन से नॉर्मल पतीले में, लाइक आप पतीला लो, उसके अंदर जो है आप वो रखो और उसके ऊपर केक पैन रख लो, केक बन जाता है आराम। तो करने के तो बड़े तरीके हैं, अगर आप करना चाहें तो। मैं नहीं होता वो, यूं जो लोग करते हैं गन को पकड़ के। अरे सीरियसली मैं बड़ा जज करता हूँ उन लोगों को, मैं मतलब इतने बर्गर यार, चिकन खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटन खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बोटी को टच कर लिया है तो नहीं, तो हमें ये बड़ा अच्छा लगता है। गोश वोश को हाथ लगाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे मुर्गी की दुकान में नहीं जाया जाता। ये गाइस वो बर्गर मुर्गी की दुकानें नहीं होती जहाँ पे एसी लगा होता है, वहाँ जाना पसंद करते। जब तक हमारे सामने मुर्गी जिबा नहीं होती ना, तब तक हमें मजा नहीं आता वापस जी। कब आखिरी दफा जिबा करवा के मुर्गी लेके आयो? वो तो मैंने लॉन्ग टाइम लेके नहीं आया ना, वरना तो वहीं से लेता था। इतना रोज मुर्गी खा रहे हो जिबा देखे बगैर, तो वो कैसे खा रहे हो फिर जब हजम नहीं होता? तो तुम लाती हो ना वो, तो मैं तो केएनएनस लाती हूँ। हाँ तो अभी फिर केएनएनस यार, देखो मुझे मसला नहीं है, इट्स जस्ट दैट केएनएनस की जो टेंडर ब्रेस्ट ना, इसमें ये लोग पता नहीं क्या डालते हैं कि ये सॉफ्ट होता है और वो नहीं होता, ड्राई नहीं होता पकाते हुए, वरना तो नॉर्मल चिकन मैं सेम तरीके से ही पकाऊ ना तो वो ड्राई हो जाता। दे डू ऐड समथिंग टू इट, आई जस्ट कांट फिगर आउट व्हाट, और इंग्रेडिएंट्स में भी नहीं उन्होंने लिखा हुआ क्या, ताकि किसी को उनका सीक्रेट ना पता चल जाए। और वो सब रोसो का भी टेंडर डिलीशियस चिकन ब्रेस्ट भी बहुत सॉफ्ट ही होता है। मैंने मजे की बात है, केएनएनस को एक दफा ईमेल की, प्रॉपर फॉर्मल ईमेल मैंने उनके जितने भी जितने भी उनके फॉर्मल ईमेल एड्रेसेस हैं, मैंने लिंक्डइन वगैरह से सब मैंने जितने भी ईमेल एड्रेसेस सारे निकाले, उन्हें मैंने ईमेल की कि आप लोग क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, और उन्होंने क्लेम किया, एक मुझे रिप्लाई आया, मैंने किया आई थिंक कोई 10-12 ईमेल करे, एक से मुझे रिप्लाई नो वी डू नॉट ऐड एनीथिंग एंड इट्स जस्ट चिकन। झूठ भाई साहब, आप बोल रहे हो झूठ, ठीक है आपको क्या लगता है हम क्या है यार, मैंने यूके से भी चिकन ब्रेस्ट लेके जो है ना, लाइक हाँ तो फ्रेश चिकन हमेशा वो होती है, वो करके देखिए, बट वो कभी भी नहीं इस तरह से बनती जैसे इनकी। हाँ तो झूठ बोल रहे हैं झूठ, सच बोल दो, सच बोल दो, सबरोसो वाले से पूछो शायद वो सच बता दें। हाँ वैसे सबरोसो केएनएन से छोटी कंपनी है, सच तो बोलना चाहिए, तो सबरोसो ये मेरे दिमाग में नहीं है कि सबरोसो को भी ईमेल करूंगा। तो गाइस जब भी जवाब लेना हो ना, तो किसी को भी फॉर्मल ईमेल करें,
उनकी जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है ना, हमेशा आपको रिप्लाई करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे कॉल शॉल करेंगे तो नहीं करते, ईमेल लाजमी लाजमी करते। फायदा हुआ करने का जब उन्होंने सच ही नहीं बताया। तुमको लगेगा कि तुम कोई ब्रांड ओनर हो और तुम उनकी रेसिपी चुराना चाह रहे हो। क्या चुराऊंगा? तो मीट टेंडराइजर डाल रहे होंगे। नहीं, मीट टेंडराइजर पर पपीते का पाउडर होता है, वो भी मैंने डाल के देखा, तो उससे भी नहीं हुआ। रियली? यार जब हम लोग जरा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे ना, ये महंगी लगती थी हमें बहुत, तब मैंने बहुत चीजें ट्राई की थी। ये भी ट्राई किया, तो कुछ और भी सेम बोला था, मुझे भूल गया। ये है हमारा रेनबो रैप। एंड टाइम पे ना हमारे घर पे सब खत्म हो जाता है, टॉर्टिया खत्म हो जाता है, सब्जी खत्म हो जाती है, चिकन खत्म हो जाता है, फिर बंदे को बनाते हुए याद आता है कि चीजें लेनी है। मैंने अब स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, जब मैं ग्रिल्ड चिकन बल्क स्टोर करती हूँ, तो किसी ने मुझे जवाब दिया हमारे तो घर वाले खा जाते हैं। हमारा भी यही सीन है गाइस, केचप तक नहीं छोड़ते। केचप भी चाहिए होता है ना, तो वो भी खत्म हुआ होता है। तो एंड टाइम पे बेसिकली जब भी आपको चीजें चाहिए सब गाइस। जैसे कि आपके भाई ने आपको बताया कि भाई डाइट पे वापस आ गया, इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है प्रोटीन के ऊपर किया। प्रोटीन ज्यादा का मतलब है कि रैप में तो इतने चिकन फिट नहीं आ रहा था, तो मेरा चिकन ऑन द साइड है और इनके चिकन तो 100 ग्राम ही है, हमारा 300 ग्राम। ये सब्जियों के साथ हम पहले खाएंगे। मुझे वो बेचारा पीटा वाला बंदा याद आ गया, उसने कितनी कोशिश की थी तुम्हारे चिकन डालने की। कसम से यार, F10 में ना, F10 मरकज में जो पीटा है, दैट गाय डिजर्व्ड अ रेज। उस बंदे को मैंने बोला, मैं कि सर एक्स्ट्रा चिकन और एक्स्ट्रा के ऊपर एक्स्ट्रा चिकन। उस बंदे ने जैसे ठुसवाया ना अंदर चिकन, तभी मेरी रिस्पेक्ट निकली मेरे दिल से। गाइस मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी यहाँ पे बैठी है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली इतना कोई इंग्लिश किस्म कर रहा है। इंग्लिश किस्म से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मतलब है कि बहुत मजे का, देसी बहुत मजे का होता है। कभी कभी ना हम लोग को इंग्लिश चीजें खाने का दिल करता है, इंग्लिश नहीं इंग्लिश। तो इसके अंदर है रॉकेट, रॉकेट होता है एक पत्ता, लेकिन उसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। हरी के अलावा भी हमारे पास शिमला मिर्च है, मुझे लगता है सिर्फ कलर डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट, काफी इंग्लिश, बहुत बहुत इंग्लिश है। मुझे भी लगता था शिमला मिर्चों का सिर्फ कलर डिफरेंट होता है, टेस्ट सेम होता है, बट ग्रीन शिमला मिर्च टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड लाल एंड पीली ऑरेंज शिमला मिर्च टेस्ट कम्प्लीटली। कच्चे में नहीं पता लगता, पकने में पता लग जाता है। कच्चे में तो ज्यादा पता लगता है। जो रेड और येलो और ऑरेंज वाली शिमला मिर्च है ना, दे आर वेरी स्वीट, मीठी होती है। जो ग्रीन वाली होती है ना, वो थोड़ी सी स्पाइसी टाइप होती है। यार दैट्स अ गुड वर्ड टू पुट इट। तो गाइस हमारी बेगम ने इतना मजे का हमें खाना बना के दिया, हमने सोचा कि इनको एक छोटा सा तोहफा दिया जाए, इनका अप्रिशिएट किया जाए। जाहिर है अप्रिशिएट तो हम हर वक्त वैसे करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अप्रिशिएट किया जाए। आपके लिए एक छोटा सा एक तोहफा है, गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? अभी खाना खा लो ना, फिर देता हूँ। अरे ये कौन करता है, बोल दे कि है गिफ्ट और फिर देता है। मैं दो पहले तसल्ली से खा ले। नहीं मुझे तो चलें, इफ यू इंसिस्ट। यू आर गोइंग समवेयर टुगेदर? हां बाहर से लेके आ रहा हूं। इनका गिफ्ट इनको देते हैं, एक मिनट। पहले से आपके भाई ने ऑर्डर किया हुआ था, वो था वैलेंटाइंस का गिफ्ट, लेकिन ये यूके में थी, फिर ये वापस आई तो हम लाहौर चले गए, तो हम दे नहीं सके, और वो भी बाय चांस अब आया तो मौका भी अच्छा है, वो देते हैं। वो है गाइस ये, मैं सुबह से अपनी बेगम को कमरे से दूर रख रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों, मतलब ऑब्वियस नहीं कर रहा था, वरना आपका भाई बहुत ऑब्वियस करता है, ऑब्वियस नहीं किया हमने, प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, सब मौका निकला। ये थैला लेके जाऊंगा तो समझ आ जाएगी, ये हमने कराया था इनसे रैप। ये अगर आप लोग सोच रहे हैं कि है क्या, तो ये है डाइसन का आई थिंक स्ट्रेटनर, कर्लर है, स्ट्रेटनर है, एयर रैप है, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, अलग अलग चीज़ें होती हैं। कि भाभी ने हमें एक्सप्रेस किया था कि हमारा बड़ा दिल करा लेने का, मैं ना 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 लो पैसे नहीं जाए कर, आपके भाई ने लेके देना था, और कुछ समझ भी नहीं आता फिर क्या लेके देते, तो हमने बोला जो उनको चाहिए वो उनको लेके देते हैं। तो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उसका नाम है 1 click away 9999, बेसिकली 1 click away 9999 से हमने मंगाया, बड़ा टाइमली उन्होंने हमें मंगवा के दे दिया, हमने थैंक यू एंड गिफ्ट रैप भी उन्होंने करके दिया, वेरी नाइस ऑफ हर। यार मैं उनको पर्सनली थैंक करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको थैंक कर देते हैं। तो 1 click away 9999 चार दफा नौ है, तो ये आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, उनसे ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो हमारा तो ऐसे पैक है, जरा बगल में दबाते हो गया, दे दूं? Stop messing with me, यार क्या है? Okay. Surprise! कहाँ रखा हुआ था? छुपा के, इसलिए तो कमरे में ही जा रहे थे। था Get me a tissue. Sir, tissue. I'm saying, can you get me a tissue? My hands are dirty. Ali. Okay. Tissue भी नहीं मिल रहा यार, हमारे घर पे tissue भी नहीं मिलता। अरे ये रखे, हाँ नहीं नहीं, sorry guys, sorry. ये लो। खोल भी दो, हर दो ना यार, की दफा यूं करके ऐसे ऐसे।
अच्छा पहले गेस 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 क्या क्या यार ये तो मोटर लग रही है लुक एट इट लुक्स लाइक अ मोटर नो यस यस लिखा है ओ लिखा है ये एयर रैप नहीं था एयर स्ट्रेट सॉरी गाइस एयर स्ट्रेट है really? मैं मजाक कर रहा हूँ ये खाने का गिफ्ट नहीं है ये वैलेंटाइन का गिफ्ट था तुम यूके में थी मैं वहां पे मुझे बोली थी ना मैंने कुछ नहीं लिया मैंने ले लिया था खोलो तो सही तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रही देखने की अरे खोलो ना खोलो करो मैं खोल दूंगा जिस तरह तुम खोल रही हो यूं पकड़ के सील फाड़ो ना कौन सा कलर होते हैं मैंने तो बस ऑर्डर किया था No way to order it from. मैंने तुम्हें बोला था मैं ऑर्डर कर रही हूँ अगर मैं भी कर देती तो वो पेज नहीं था वो वन क्लिक अवे 999 4 2 1 0 हाँ इसीलिए वो मुझे जवाब ही नहीं दे रही थी अली जब मैं उससे पूछ रही थी games. वो उसने मुझे प्राइस तक का जवाब नहीं दिया अली लगा था उसने बेचने के शौक नहीं उसको हाँ नहीं प्राइस का तो यार खोल भी दो अली सबर अरे डब्बा फाड़ दूँ नहीं तेरे हाथ कांप रहे इन शॉक है तो स्ट्रेटनर ही ना अब बताओ इसमें और वो चीची वाले स्टेशन वो स्ट्रेटनर में क्या फर्क है चीची क्या है वो क्या ची था ची ची मुझे लगा चीची अच्छा क्या इसमें क्या फर्क है ऐसे फैंसी तो है फैंसी तो बहुत इसका एडाप्टर है दिखाओ इतना बड़ा एडाप्टर पे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं लगा के पहले ये क्लिक करना है रीसेट करना है क्या है इसका मतलब बाद में फिगर आउट करना खाना खा लें नहीं ना खाएं कहाँ जा रही हो मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसे बड़ी हैवी करो ना जल्दी स्ट्रेट ब्रेड करना है तो भूखा कितना बैठा है तुम्हारे लिए अब तुम खुश रहोगे क्यों बाल मेरे कर्ल नहीं होंगे मैं इसलिए जल्दी क्या लिखा हुआ था पहले डर लग रहा है इतने बड़े एडाप्टर से ये बस वो आगे वाली लट को चेक कर लो ना डायसन की चीजों में ना बहुत लर्निंग कर्व होता है पूरे स्ट्रेट करोगे अभी पूरे करोगी मुझे तो लगा फ्रंट की लट करोगी गाइस इट हैज अ डिस्प्ले टच है हाउ डू आई चूज देखिए जी सेटअप कैसा है सेल्सियस ये क्या ड्राई ड्राई चलो ट्राई करो इसे डैमेज नहीं होते और बाकी में क्या होता है आपको पहले ड्राई करने पड़ते हैं वरना तो दिखाओ जरा बिफोर आफ्टर इधर इधर लेफ्ट वाला दिखाओ इधर इधर बिफोर आफ्टर तो पहले दिखाओ इधर नाइस यार कैन वी ईट नाउ आपके दूसरी साइड भी करोगी नहीं मैं देख रही हूं इसमें एक वो भी है क्या एक कहीं से इसके ये कहीं वन नीचे रखे ड्रायर तो फिर ब्लो ड्रायर क्यों लिया था ये तो चीटिंग है यार ये क्या बात हुई ब्लो ड्रायर लिया तो क्या उसको एयर रैप अब एयर स्ट्रेट या तो एयर स्ट्रेट में अगर एयर रैप वाले फीचर थे तो फिर वो क्यों लिए इतना जल्दी हो गया यार हाँ जल्दी तो हुआ गाइस मैंने वैसे लड़कियों को देखा स्ट्रेटनर के सामने बैठ के स्ट्रेट करते हुए घंटा घंटा लगाती हैं और फिर जलने की बू आती है उतनी जलने की बू नहीं आ रही और हवा भी ज्यादा आ रही है तो अच्छा वैसे फैंसी तो है वो भी गए अरे दिखाओ इधर देखो खुद ही बंद होगा कैसे हुआ था मैंने इसके नीचे रखा तुमने इसको यूं क्लिक तो नहीं किया नहीं खुद ही बंद हो गया हाँ नाइस यार
मोशन डिटेक्टर क्लीनिंग ऑन होकर खुद करता है क्लीनिंग. अब ऑफ खुद ही होगा. हो गया. एंड देन यू क्लोज इट एंड यू लॉक इट. तुम्हें कैसे पता था ये ऐसे चलता है? बहुत रिव्यूज देखे. यू लाइक इट? कमरे में तो जोड़ दो. यूजुअली दिन में जो बकता है हम रात को भी वही खाते हैं, लेकिन आज एक्सक्विजिट मेन्यू बना. सुबह शाम को हमने रैप खाया था और अभी हम खा रहे हैं पास्ता, वही सब्जियों वाला. ये है ये हमारे चिकन, ये ऊपर से डालेंगे. इक्वल पोर्शन है हमारे. इसे सब्जियां खाने का बहुत अच्छा तरीका है यार, आप लोग ट्राई कीजिएगा. न्यूज यार ये हमें ना छोटी सी चोट लगती है, बहुत खून निकला था वैसे. प्रॉमिस मैंने अभी इसको साफ करके धोया है, अपना हाथ साफ किया है. ये वैसे खून अपना नजर आ रहा होगा, तो बहुत दर्द हो रही थी, टेंशन नहीं मिलती वैसे यहाँ. वैसे सोच रहा था कि मैं पास्ता विद चिकन खा रहा हूँ, लेकिन मैं चिकन विद पास्ता खा रहा हूँ. लग नहीं रहा क्योंकि इसमें पास्ता से ज़्यादा प्रोपोर्शन चिकन का है और अनिया का सिर्फ इतना सा ही है. चिकन अनिया का विद इतना सा चिकन एंड ये मेरा. प्रोटीन पूरा करना होता है भाई. तो चलेंगे आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में. तब तक अपने ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन अल्लाह हाफिज़.